अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी काली मस्जिद में जो गांधीगंज के अपोजिट में वहाँ पे हूँ। यहाँ पे बहुत दिनों से कुछ कब्रस्तान के रोड का काम था और पार्किंग के जगह का काम था। मोतेशम भाई और हमारे सदर साहब, वकील साहब और सभी कमेटी मिलके मुझे दो चार बार बताई थी, तो मौका ऊपर वाला ने अभी दिया है। तो इस काम के लिए मैं ऑलरेडी 20 लाख रुपए दिया हूँ। अगर और 20 लाख रुपए लगे तो उसको पूरा काम कंटिन्यू करो बोल के बोला हूँ कंट्रैक्टर को और इंजीनियर्स को। और इंशाल्लाह ये बहुत कदीम ज़माने की मस्जिद है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कमेटी इसको अब तक अच्छे तरीके से यहाँ पे इंतज़ाम कर रही है, तो इसके लिए मैं कमेटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी इस काली मस्जिद में मोहतरम रहीम खान साहब, मिनिस्टर फॉर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अलहाज और हज तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने इस मस्जिद को ग्रांट दिया है और मस्जिद और ग्रांट में तौसी का उन्होंने ऐलान भी किया है। मस्जिद के फ्रंट साइड में सामने के हिस्से में कुछ इसका काम है, सीसी बेड वगैरह डालने का, फिर कब्रस्तानों के लिए जाने का रास्तों का इंतज़ाम है इस ताल्लुक़ से और हाईमास के ताल्लुक़ से, और उन्होंने अपना ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने तयखुन दिया है और उन्होंने गुत्तेदारों को भी हिदायत दी है कि यह काम कर दें। लिहाजा आज हम उनके बहुत ही मशहूर हैं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर यहाँ आए और मस्जिद हाजा का दौरा किया और हमारे लिए उन्होंने इस मस्जिद के लिए इन कामों का इंतज़ाम करने का उन्होंने ऑर्डर्स भी दिए हैं। अल्लाह उनको जजाए खैर दे। और ये बहुत बड़ा काम था हमें बिदर के मुसलमानों के लिए, सीरिया के मुसलमानों के लिए भी ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातहु। मैं काली मस्जिद जो मोती मस्जिद जो चिदरी रोड पे गंज के पास है, वहाँ पर हमारे बुलाने पर रहीम खान साहब मिनिस्टर साहब जो तशरीफ़ लाए और यहाँ पर कुछ ग्रांट उन्होंने अलाट किया और मस्जिद तवसी ग्रांट जो कमी पड़ने पर भी और भी देने का वादा